बी प्रथम वर्ष में पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हम आपको पढ़ाएंगे सत्ता की अवधारणा। हालांकि सत्ता की अवधारणा पर पहले हमने बहुत कुछ पढ़ाया है, आज हम इस सत्ता की अवधारणा को पूरा भी कर लेंगे। सत्ता की अवधारणा, जैसा कि आपको पता है, सत्ता का संगठन में महत्वपूर्ण स्थान होता है और सत्ता में तीन बातें होती हैं, आदेश देना, आदेशों का पालन करना और उनको क्रियान्वित करना। तो ये तीन चीजें होती हैं, आदेश देने वाला होता है, आदेशों का पालन भी किया जाता है, क्रियान्वित क्रियान्वयन भी उसका होता है। अब हम बात करते हैं कि जो सत्ता के स्रोत हैं, सत्ता आती कहां कहां से है। सत्ता, हम ये बात कर रहे हैं कि सत्ता, लेकिन ये सत्ता के लिए कौन तो योग्य है, कौन सत्ता को प्रयोग में ला रहा है, कैसे सत्ता प्रयोग में आ रही है, इन सब बातों को हम मानेंगे कि सत्ता के कुछ स्रोत भी होते हैं। क्या होते हैं? सत्ता के स्रोत होते हैं, सोर्स ऑफ अथॉरिटी होती है, जिसमें सत्ता के स्रोत माने एक बर्नार्ड है, बर्नार्ड विचारक ने सत्ता के स्रोत बताए हैं। तीन स्रोतों में इसकी विवेचना की गई है, एक तो है औपचारिक सत्ता विचारधारा, एक है स्वीकृत विचारधारा, एक है सक्षमता विचारधारा जो योग्यता पर बल देती है। औपचारिक सत्ता विचारधारा ये मान करके चलती है कि सत्ता का स्रोत क्या होते हैं, औपचारिक नियम होते हैं, कानून होते हैं और संविधान होता है। इस औपचारिक सत्ता विचारधारा में सत्ता का जो स्रोत माना है, मुख्य तत्व माना है, वो किसको माना गया है विद्यार्थियों? संविधान को माना गया है, कानून को माना गया है, नियमों को माना गया है। इसमें माना गया है कि नियम सर्वोपरि होते हैं और सत्ता उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बढ़ती चली जाती है। औपचारिक सत्ता विचारधारा में, जैसे कि उदाहरण से आप जान जाएंगे, भारत का प्रधानमंत्री है, औपचारिक सत्ता विचारधारा में ये अपनी सत्ता संविधान से प्राप्त कर रहा है। राष्ट्रपति है, संविधान से अपनी सत्ता प्राप्त करता है। तो राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, अब इसके बाद अन्य मंत्री हुए, संसदीय सचिव हुए, निदेशक हुए, उपनिदेशक हुए, ये सब औपचारिक दृष्टि से सत्ता कहां से ले रहे हैं? संविधान से। तो जब सत्ता हमें संविधान से मिलती है, संविधान के नियमों के अनुरूप होकर के कार्य जब किया जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाए, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाए, संसदीय सचिव के द्वारा किया जाए, मंत्रियों के द्वारा किया जाए, वो सब किसमें आएंगे? औपचारिक सत्ता विचारधारा में आएंगे। इसको एक बार और सुने, औपचारिक सत्ता विचारधारा ये मान करके चलती है कि सत्ता का स्रोत संविधान, कानून या नियम होते हैं। इसमें नियम के अनुसार ही सत्ता आगे बढ़ती है, कोई भी नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। इसमें सत्ता का जो रूप है वो लिखित होता है, नियमों पर आधारित होता है, और यूं मान के चलो इसमें नियमों के विपरीत काम नहीं होता है, क्योंकि इसका रूप कैसा है? लिखित है, नियमबद्ध है, कानूनी है, औपचारिक है, फॉर्मल है। तो जब सत्ता फॉर्मल रूप से, औपचारिक तरीका से आगे बढ़ती है, उसे हम कहते हैं औपचारिक सत्ता। दूसरी बात आती है यहां पर स्वीकृत विचारधारा। यह स्वीकृत विचारधारा मान करके चलती है कि जो अधीनस्थ व्यक्ति है, अधीनस्थ व्यक्ति जब तक उच्च अधिकारी के आदेश को स्वीकार नहीं करते हैं, स्वीकृत माने स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक उच्च अधिकारी का दिया गया आदेश बेकार है। तो ये स्वीकृत विचारधारा मान करके चलती है कि सत्ता तभी महत्वपूर्ण है, तभी प्रभावशाली है, जब अधीनस्थ व्यक्ति उसको स्वीकार करते हैं। यदि अधीनस्थ उच्च अधिकारी के आदेश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उच्च अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश बेकार है, कोई महत्व नहीं रखता है। तो ये स्वीकृत विचारधारा अधीनस्थों की सहमति पर, स्वीकृति पर बल देती है, मान करके चलती है कि अधीनस्थों की सहमति जरूरी है। जब तक अधीनस्थ सहमत नहीं है, अधीनस्थ उस विचार को मान नहीं रहे हैं, उच्च स्तर के आदेश को नहीं मान रहे हैं, अपने जो लीडर के आदेश को, उच्च अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश को नहीं मानते हैं, तब तक उच्च अधिकारी का दिया गया आदेश बेकार है, ऐसा इस स्वीकृत विचारधारा में माना गया है। इस तरीका से स्वीकृत विचारधारा अधीनस्थों की सहमति और स्वीकृति पर बल देती है। तो ये बात समझ में आ गई,
कि जहां औपचारिक सत्ता विचारधारा नियम और कानून से बंधी हुई है, इसमें सत्ता कहाँ से मिली है? संविधान से मिली है, नियमों से मिली है। और स्वीकृत विचारधारा ये मान करके चलती है सत्ता अधीनस्थों की सहमति पर निर्भर करती है। अधीनस्थ स्वीकार करेंगे उच्च अधिकारी के आदेश को तो ही वह मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। तीसरी विचारधारा मान करके चलती है कि सत्ता का जो स्रोत होता है योग्यता होती है, क्षमता होती है, निपुणता होती है, दक्षता होती है। इसमें ये मान करके चला जाता है कि जो व्यक्ति योग्य होते हैं संगठन में वो अपना स्थान बना लेते हैं, चाहे उनको कोई पद या कोई स्थान या उनको सेवा का कोई पद बड़ा दिया जाए या नहीं दिया जाए, लेकिन जो योग्य सक्षम व्यक्ति होते हैं, कर्मठ व्यक्ति होते हैं, जो एक मान करके चलो जिनमें क्षमता है, प्राकृतिक योग्यता क्षमता है, वो अपने आप ही पद पर पहुंच जाते हैं या उच्च पद को पा लेते हैं, क्योंकि उनमें अद्भुत क्षमता है। तो अपनी योग्यता क्षमता प्रतिभा के बल पर जो व्यक्ति संगठन में स्थान बना लेते हैं उसको हम क्या मानते हैं? सक्षम विचारधारा मानते हैं। तो सत्ता का ये तीसरा स्रोत मान करके चल रहा है कि जो योग्य व्यक्ति होते हैं, सक्षम व्यक्ति होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, वो संगठन में अपना स्थान स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं, चाहे संगठन में उनको कोई उच्च स्थान दिया जाए या नहीं दिया जाए, वो तो अपना स्थान स्वतः ही बना लेते हैं। ऐसा ये सक्षमता विचारधारा मान करके चलती है। इसमें योग्यता और क्षमता पर विशेष बल दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि सत्ता की कुछ सीमाएं भी होती हैं। हमने जाना कि सत्ता होती है, लेकिन सत्ता निरंकुश नहीं हो सकती है। सत्ता की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं, सीमाएं होती हैं, एक दायरा होता है जिस दायरे में रहकर के ही आदेश जारी होते हैं, नियम बनाए जाते हैं और सत्ता का हस्तांतरण होता है। तो कुछ सीमाओं की भी हम बात कर लेते हैं कि सत्ता की कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं कुछ उसके पर प्रतिबंध है, अंकुश लगा हुआ है। तो यहाँ कुछ सीमाओं पर विचार करें तो पहली सीमा आती है तकनीकी सीमा, दूसरी है जैविक, फिर है कानूनी, इस तरीका से सीमाएं हैं। तो पहली सीमा है तकनीकी सीमा। तो देखो आपको पता है प्रविधि यानी तकनीक महत्वपूर्ण है, और आज का युग तो आपको भी पता है तकनीक का युग है, प्रविधि का युग है। तो तकनीक से बंधा होता है हर विभाग की कोई ना कोई अपनी टेक्निकल होती है, हर कार्य हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति उस कार्य के करने की जो तकनीक जानता है, तकनीक है, सक्षम है, दक्ष है कार्य करने में, तो वह कार्य को अच्छी प्रकार से करेगा। और जो उस तकनीक से अनभिज्ञ है, तकनीक का उसको ज्ञान नहीं है, तो वह उस कार्य को कर भी नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हर कार्य की अपनी एक तकनीकी सीमा होती है, हर विभाग अपने तकनीकी नियमों से जुड़ा रहता है, तकनीक उसको प्रभावित करती है। तो तकनीकी सीमा होती है, एक सीमा होती है जैविक सीमा। जैविक सीमा आपको पता है, कोई भी सरकार हो, कोई भी दल या कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी सत्ता में हो, वो ऐसा कार्य नहीं कर सकती है जिससे कि हमारा जीवन या व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़े, क्योंकि जीवन सर्वोपरि है। जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार बनी हुई है, शासन व्यवस्था सब कुछ किसके लिए है? जीवन के लिए है, जीवन की सुरक्षा के लिए है। तो कोई भी सरकार ऐसा कार्य नहीं कर सकती है जिससे कि अधीनस्थ का जीवन या जो कहें कि आम व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़े। तो एक जैविक सीमा भी होती है कि सरकार कोई भी ऐसे आदेश नियम आज्ञा जारी नहीं कर सकती है जिससे कि हमारा खतरा बढ़े या हमारे जीवन को खतरा बढ़े, ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसे कि हम बात करें कि सरकार व्यक्ति को एक तरीका से विष खाने का आदेश नहीं दे सकती बिना कारण के। भाई सरकार ऐसा थोड़ी है कि जनता को ये आदेश दे दे कि जहर खाया जाए, ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इससे जीवन खतरे में पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को बिना उपकरण के, हम मान के चलो बिजली कर्मचारी है, उसको बिना उपकरण के ही बिजली का काम करने का आदेश कोई उच्च अधिकारी नहीं दे सकता है, क्योंकि वो तो एक प्रकार से क्या है, उसका जीवन खतरे में पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो ये जैविक सीमा है, तो जीवन सर्वोपरि है, जीवन की सुरक्षा को
बनाए रखना जरूरी है और सरकार ऐसा कार्य नहीं कर सकती है जिससे कि किसी का जीवन डेंजर हो। बात करें कि कानूनी सीमा, कानून आपको पता है नियम होते हैं, कानून होते हैं और हर सरकार कानून से बंधी होती है। सरकार बनाई इसलिए जाती है कि वो कानूनों के अनुसार कार्य करे। कोई भी व्यक्ति हो, अधिकारी हो, कोई भी कितने बड़े पद पर हो, एक नियम होता है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ होता है, इस रूल ऑफ लॉ कानून का शासन होता है और कानून के शासन के अनुसार ही सबको कार्य करना होता है, चाहे कोई कितने बड़े पद पर क्यों ना हो। हर व्यक्ति, हर कर्मचारी कानून से बंधा हुआ है। कानून का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध माना जाता है। कानून सर्वोपरि होते हैं, संविधान की मर्यादा को बनाए रखना जरूरी होता है। तो हर व्यक्ति किससे बंधा हुआ है? कानून से बंधा हुआ है। तो सरकार ऐसा भी कोई आदेश नहीं जारी कर सकती है जो कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। कानूनी सीमा एक सीमा होगी। एक सीमा होती है मनोवैज्ञानिक सीमा। मनोवैज्ञानिक सीमा से मतलब यहाँ ये लिया गया है कि जो अधीनस्थ व्यक्ति होते हैं उनकी साइकोलॉजी को, उनकी विचारधारा को जानना जरूरी है। कोई भी उच्च अधिकारी कोई ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकता है कि जिसकी वजह से उसके लगे कि इसका पालन अधीनस्थ नहीं कर सकेगा। उसको साइकोलॉजिकल बात को ध्यान में रखना होता है। तो हर कोई आदेश सभी प्रकार के व्यक्ति का पालन करें, सभी प्रकार के व्यक्ति उसका पालन करें, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मनोवैज्ञानिक सीमा भी होती है। व्यक्ति के मनोभावों को देख करके कोई काम कराया जा सकता है। यदि वह मानसिक रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं है या मानसिक रूप से वह कार्य करने के लिए तत्पर नहीं है तो व्यक्ति से कार्य नहीं करा सकते हैं या उसको हम बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति को मानसिक रूप से उस कार्य के लिए तत्पर होना चाहिए। आज हम किसी उच्च अधिकारी के या किसी नेता के आदेश का पालन तभी अच्छी प्रकार से करेंगे जब उसका साइकोलॉजिकल प्रभाव हमारे ऊपर है। तो अधीनस्थ की मनोस्थिति को ध्यान में रख करके ही आदेश जारी होने चाहिए। उच्च अधिकारी के द्वारा आदेश जारी हो ये जरूरी है। एक होती है आर्थिक सीमा। आर्थिक सीमा से मतलब ये है कि आपको पता है कि हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती है। तो कोई भी अच्छा अधिकारी है, सरकार है, कोई भी दल सत्ता में है तो वो कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता है कि जिससे कि जनता पर आर्थिक बोझ बढ़े, जनता की अर्थव्यवस्था खराब हो, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो, ऐसा काम नहीं किया जा सकता है। तो एक आर्थिक सीमा भी होती है। लोगों की अर्थव्यवस्था को देख करके ही कार्य किया जाना होता है। जैसे कि हम बात करें कि सरकार कर लगाती है लेकिन गरीबों पर कर नहीं लगा सकती, क्योंकि गरीब व्यक्ति क्या है कि वो कर देने की स्थिति में नहीं है। तो आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख करके ही कोई आदेश जारी होंगे, कोई कर लगाए जाएंगे। ये बात स्पष्ट कर रही है कि सत्ता की एक सीमा आर्थिक भी होती है। एक सीमा होती है प्राकृतिक। प्राकृतिक सीमा जैसे आपको पता है कि एक जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, हमारी जलवायु है, हमारा वातावरण है, इन सब बातों को देख करके ही कार्य करना होता है। और सरकार का भी दायित्व बनता है कि हमारी जलवायु, प्रकृति और इन सब को देख करके ही कार्य करें। तो एक प्राकृतिक सीमा भी होती है। प्रकृति के विपरीत कार्य नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा किया जाएगा तो वो अनुचित है, गलत है, सत्ता के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। तो वो उसकी सीमा होगी। क्या होगी? सीमा। तो एक प्राकृतिक सीमा भी होती है। एक सीमा और होती है कि बहुत सी और भी सीमाएं आ गई, जैसे अन्य सीमा में आ जाएंगी। जैसे कि एक देश में जो रीति रिवाज है, परंपरा है, मान्यता है, उनको देख करके भी आदेश जारी होंगे। उनको देखना होता है, सत्ताधारी के लिए उनको देखना जरूरी होता है, क्योंकि उनको बनाए रखना जरूरी है, समाज की व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी है। तो अन्य सीमाओं में जैसे कि फैशन हुआ, रीति रिवाज हुई, फैशन को बनाए रखना जरूरी है, फैशन पर प्रतिबंध लगाना अनुचित होता है। तो ये सत्ता की कुछ मर्यादाएं हो गई, सीमाएं हो गई। तो यह हमने जाना कि सत्ता क्या है, सत्ता के कितने प्रकार हैं, सत्ता पर मैक्स वेबर ने क्या विचार दिए हैं, सत्ता के स्रोत कौन कौन से हैं, सत्ता का पालन कैसे किया जाता है, जिसमें हमने बताया था विश्वास है, एकरूपता है, दबाव है, वैधानिकता है, ये चार चीजें हमने बताई थी।
हमने ये जान लिया है कि सत्ता औपचारिक भी होती है, सत्ता सुकृत विचारधारा पर आधारित होती है और सत्ता सक्षम विचारधारा पर आधारित होती है। सत्ता की हमने सीमाओं की बात की, तो यहाँ तकनीकी, जैविक, आर्थिक और तकनीकी और मनोवैज्ञानिक, प्राकृतिक और बहुत सी अन्य भौतिक सीमाएं, फैशन की सीमाएं, तो ये बहुत सारी सीमाएं हमने देखी। तो यहाँ आपका शक्ति से भी हमने संबंध बताया था कि सत्ता और शक्ति दोनों एक जैसी लगती हैं राजनीति विज्ञान के अंदर, लेकिन दोनों अवधारणाएं अलग-अलग हैं। शक्ति की अवधारणा अनुचित है, गैर कानूनी है, अलोकतांत्रिक है, अस्थायी है, और सत्ता की अवधारणा क्या है, स्थायी है, मनोवैज्ञानिक है और नियमों से बंधी हुई है और ज्यादा प्रभावशाली भी है। तो यहाँ शक्ति और सत्ता दोनों की अवधारणा हमने देखी। प्रश्न कैसे आएगा, सत्ता क्या है, शक्ति और सत्ता में अंतर करते हुए सत्ता के स्रोत लिखें, या ये पूछ लिया जाएगा सत्ता से आप क्या समझते हैं, सत्ता के ऊपर मैक्स वेबर के विचार लिखें। तो प्रश्न कैसे भी आ सकता है, तो आपको तो ये पूरी अवधारणा याद रखनी है, सत्ता क्या है, सत्ता का शक्ति से क्या संबंध है। तो यहाँ आपका शक्ति के साथ ये सत्ता वाला चैप्टर भी पूरा होता है। अब इसमें एक अध्याय और जुड़ा हुआ है, वो है वैधता, लेजिटिमेसी, जो हम अगली वीडियो में लेंगे।